तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी भी मार्केट में देखते थे ना, क्रेटा ऑनर्स का दबदबा इतना बना रहता है कि आप कहीं भी पीछे चलोगे, अगर आपके पीछे क्रेटा ऑनर्स आते हैं तो उनका हॉर्न, बिल्कुल ये ह्यूंडई क्रेटा का जो हॉर्न है ना, मार्केट में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब दूसरी गाड़ियां भी कॉपी कर रही हैं। तो ह्यूंडई सोचा कि चलो क्रेटा तो हम लोग दे ही रहे थे, बट क्रेटा में थोड़ा सा और इसको अपडेट करके लाते हैं। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रेटा इनलाइन मॉडल। ये सबसे टॉप मॉडल है। अभी आप देखे थे फिलहाल में मैंने क्रेटा जो नया वाला लॉन्च हुआ था उसका वीडियो दिखाया था। उसके बाद ये आपको पूरा का पूरा डार्क ब्लैक एडिशन में क्रेटा इनलाइन देखने को मिलेगा। इसमें क्या कुछ चेंजेस है, जनरली अगर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस आपको शॉर्टकट में बता दूं, तो सबसे पहले तो भाई इसका जो डिजाइन है ना, ओवरऑल इसका पूरा का पूरा ग्राफिक्स चेंज हो गया है। पूरा का पूरा आगे का लुक्स देखोगे वो भी बिल्कुल चेंजेस हो गया है। और भी तमाम सारे फीचर्स इसमें एड ऑन हो गया है, जैसे कि अडास फीचर्स आ गया है, व्हील साइज को बढ़ा दिया गया है, और भी मेनी मोर चेंजेस हैं जो कि इसको क्रेटा इनलाइन में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे और बताएंगे कि आपको क्रेटा इनलाइन में क्या कुछ बेस्ट फीचर्स मिलता है। सबसे पहले भैया एक शोरूम की बात करें तो ये जो है ना बेस मॉडल, अगर आप क्रेटा इनलाइन का खरीदते हो तो 16 यानी 16.5 लाख के आसपास से इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है, और टॉप मॉडल का जो कीमत है ना वो लगभग लगभग 22 लाख तक इसका टॉप मॉडल का जाता है। तो चलिए, आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं करता हूं ये क्रेटा इनलाइन का डिटेल वॉक अराउंड। तो भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पे गाड़ी देखोगे, ये क्रेटा इनलाइन है। अब इनलाइन में इसको इनलाइन क्यों कहते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। अभी वो क्या चेंजेस है आप यहाँ पे देखोगे, रेड कलर का जो स्ट्रिपिंग आपको दिख रहा है ना पूरा को पूरा, वहां से फ्रंट का जो व्हील बेस का एरिया है उसमें दिखेगा, फ्रंट में यहाँ पे दिखेगा, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटीरियर में भी आपको रेड कलर से स्टिचिंग मिलता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं भैया इसमें क्रेटा में आपको इंजन कौन सा मिलता है इनलाइन में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टर्बो पेट्रोल का 1.5 का आपको यहाँ पे 1.5 लीटर का इंजन मिलता है टर्बो पेट्रोल में। पावर की बात करें तो 157.57 bhp की मैक्सिमम पावर मिलती है, और 253 nm की आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, जो कि लगभग लगभग 1500 से 3500 rpm तक जाती है। बाकी कुछ इस तरीके का है। नॉइज को कैंसिलेशन करने के लिए आप यहां पे देखोगे कि ऊपर में आपको ये सारे चीज देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी के तरीके से, और कहीं ना कहीं ज्यादा वाइब्रेशन ना हो इसके चलते आपको यहाँ पे इसके इंजन हुड्स पे ये देखने को मिल जाता है। फ्रंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा कनेक्टेड DRL भाई, जैसे जैसे आपको ह्यूंडई वरना में है ना पीछे में देखने को मिलता था, अब आगे में मिलता था, अब जितनी भी गाड़ी आ रही है ना लगभग लगभग वो सारी चीजें में फ्रंट में भी कनेक्टेड देता है और रियर में भी कनेक्टेड देता है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मिलता है, सिक्वेंशियल में लाइट मिलने का, पूरा का पूरा LED सेटअप में मिलता है। टर्न इंडिकेटर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 3 डॉट में आपको टर्न इंडिकेटर का सेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ ये लुक आपको फ्रंट का मिलता है, जो कि पूरा का पूरा आपको कनेक्टेड मिलता है। फ्रंट में ओवरऑल डिजाइन की मैं बात करूँ तो ये भी क्रेटा इनलाइन में बिल्कुल सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे रेड कलर का आपको स्ट्रिपिंग देखने को मिलेगा। स्कीड प्लेट जो है ना जनरली बहुत से गाड़ियों में आता था सिल्वर कलर में, बट यहाँ पे कंपनी ब्लैक आउट में आपको स्कीड प्लेट देखने को मिलता है। आगे में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको सिल्वर फिनिशिंग में आपको फ्रंट में डिजाइन मिलता है। एल लाइन का आपको यहाँ पे बेसिक मिलता है, और ये जो ग्रिल सेक्शन है ना इसको भी कंपनी ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ ह्यूंडई का बेसिक मिलता है। फ्रंट में आपको कैमरा सेक्शन देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। अगर बात करते हैं फ्रंट में वाइपर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको ड्यूल में वाइपर सेक्शन देखने को मिलेगा, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके का ब्लिंकिंग है, पूरा पूरा टेलाइट सेक्शन में आपको यहाँ पे मिलता है। और वहीं फ्रंट के टायर सेक्शन की बात करें ना, तो टायर सेक्शन में भी अपडेट करा है इनलाइन में। यहाँ पे आपको पहले जो क्रेटा था उसमें 17 इंच का मिलता था, बट इसमें अब आपको 18 इंच का मिलता है। अलॉय व्हील देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ह्यूंडई का बेजिंग नहीं, आपको पूरा का पूरा N का बेजिंग आपको यहाँ पे मिलता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं ड्यूअल कलर टोन में। 18 कलर का आपको यहाँ पे इसमें JK का टायर्स देखने को मिलेगा। प्रोफाइल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको इसमें मिलता है 215x55 R18 215 यानी 215 mm का आपको इसका विड्थ देखने को मिलता है। और फ्रंट की सस्पेंशन की बात करें तो MacPherson स्टड का आपको यहाँ पे इसका फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको सस्पेंशन है। और इसके साथ साथ फ्रंट में सस्पेंशन के पास और टायर सेक्शन के पास ये जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। और पूरा का पूरा SUV है, तो क्लाइडिंग आप देखोगे मैट ब्लैक कलर में आपको यहाँ पूरा का पूरा आपको क्लाइडिंग सेक्शन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ एक और चीज ना, आपको अगर पूरा पूरा डार्क ब्लैक एडिशन लेते हो तो इसमें आपको इसका जो डोर हैंडल है ना, डोर हैंडल भी आपको सेम बॉडी कलर में ही देखने को मिलता है। बहुत लोग कहते थे कि भाई इसमें अगर थोड़ा सा क्रोम का फिनिशिंग रहता तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव आता, बट नहीं, आपको डार्क ब्लैक में पूरा का पूरा डार्क ब्लैक ही देखने को मिलता है। पिलर सेक्शन की अगर बात करें तो पिलर्स आप यहाँ पे देखोगे, A पिलर्स आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक में मिलता है। यहाँ भी पिलर सेक्शन की बात करें तो ब्लैक मिलता है, और यहाँ पे
थोड़ा सा आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ पीछे साइड से देखें तो स्पॉइलर देखोगे भाई काफी ज्यादा चौड़ा आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिलता है। फिलहाल ये अभी स्टिकरिंग है, ये गाड़ी आज डिलीवर होने वाली है तो भाई दूसरा का जो फीलिंग है उसको मैं यहाँ पे खराब नहीं कर सकता हूँ। तो एनीवे आप यहीं से देख सकते हो, ऊपर में आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको काफी अच्छा मिलेगा जो कि आप सिनेमेटिक शॉट्स में देख ही सकते हो। और इसके साथ साथ रियर में बात करें तो वाइपर्स मिलता है, वॉशर मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी ह्यूंडई का आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलता है और पीछे साइड से भी भाई। अब ह्यूंडई क्यों पीछे रहेगा जब सारी गाड़ियां फ्रंट कनेक्टेड लाइट रियर कनेक्टेड लाइट दे रही है, तो ह्यूंडई क्यों पीछे रहेगा। फ्रंट में भी इसका कनेक्टेड टेल लाइट मिलता है और रियर में भी कनेक्टेड टेल लाइट मिलता है। ये देखो काफी शानदार आपको रियर में इसका कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलता है। और अभी भी आप देखते थे कि महिंद्रा अपना नया बैजिंग ला दिया, ह्यूंडई को भी तो कुछ करना है, मार्केट में तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन के दौर में यहाँ आते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का ह्यूंडई का ग्राफिक्स आ जाता है, क्रेटा का बैजिंग, एनलाइन का बैजिंग यहाँ पे मिलता है। रियर सेक्शन की अगर बात करें तो रियर में हमेशा देखते थे सिल्वर कलर में आपको स्किड प्लेट देखने को मिलता था, बट इसमें आपको पूरा का पूरा ब्लैक मिलता है, रेड कलर का बैजिंग के साथ मिलता है। और इसके साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट है ना भाई, कहीं ना कहीं प्रीमियम बाइक और स्पॉटी लुक दिखाने के लिए, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो डबल क्लिप में आपको इसका एग्जॉस्ट सेक्शन देखने को मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो 215 का आपको यहाँ पर टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई भाई ऊपर ऊपर की बात, सारा चीज गाड़ी का आपने ओवरऑल वॉकअराउंड देख लिया। गाड़ी देखने में काफी ज्यादा कतई जहर है, इसमें कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है किसी भी गाड़ी से, और खासकर ये ब्लैक कलर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। चलिए गाड़ी के इंटीरियर में बात करते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं इसमें क्या बेस्ट है भाई, गवर्नमेंट कहती है कि हमको इतना एयरबैग्स मैंडेटरी चाहिए हर गाड़ी में 2 एयरबैग्स, बट ह्यूंडई वालों का अपना ही एक मैंडेटरी है, उनको हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स देना, चाहे ह्यूंडई का एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो उसमें भी 6 एयरबैग्स, मतलब सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो पार्ट्स है ना वो भी बड़ा इजीली मिल जाता है, सर्विस सेंटर में वैसे कोई दिक्कत नहीं होता, बट आपके पास अगर ह्यूंडई का कोई गाड़ी है सर्विस सेंटर का कैसा एक्सपीरियंस आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फ्रंट की डोर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप इसका गेट देखोगे ना प्रॉपर यहाँ पे आपको लेदर रेड फील देखने को मिलेगा, रेड कलर का स्टिचिंग मिलता है। और भाई इसमें रेड कलर क्यों है पता आपको, एनलाइन है, एनलाइन में रहेगा तो रेड कलर तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज को कंट्रोल करने के लिए मिलता है, ओआरवीएम कंट्रोल करने के मिलता है। और ये लॉक वाला है ना, इसको थोड़ा सा आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बोस के स्पीकर सिस्टम, भाई अब करोल बाग जाने का भी खत्म, करोल बाग वाला कहानी खत्म। होता क्या था कि बेस मॉडल लेकर टॉप मॉडल कराने लोग करोल बाग पहुंचते थे, अब करोल बाग भी नहीं जाना है, आपको सारा चीज शोरूम की तरफ से ही सारा चीज कंपनी की तरफ से मिलता है, बोस का स्पीकर मिलता है। जबकि ये जो हमारे सामने मॉडल है वो N8 है, अगर आप N10 में जाते हो तो वहां पे आपको 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स और 1 सबवूफर मिलता है। इसके साथ साथ N8 में अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा भाई बेस मॉडल है, पैसा कम दे रहे हो तो आपको साउंड में कोई मैनेज नहीं करना, बट हाँ 1 सबवूफर नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फ्रंट की, यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट की तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसकी कुशनिंग की बात करें तो यहाँ सबसे पहले तो ये देखोगे मैनुअल एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है, हेडरेस्ट के साथ मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर का दोनों ही साइड सीट मिलता है। और अभी अंदर बैठते हैं, अंदर बैठने से पहले आपको दिखाते हैं इसमें पैडल लैंप है या नहीं, पैडल लैंप आपको में नहीं मिलता है। इसके साथ साथ चलिए इंटीरियर सेक्शन में बैठते हैं और बताते हैं क्या कुछ फीचर्स है इसमें। और इसके साथ साथ आपको मैं की दिखा देता हूं क्रेटा इनलाइन का, आप यहां पे देखोगे कुछ इस तरीके से की मिलता है, लॉक अनलॉक और होल्ड और एक यहां पे बूट स्पेस को ओपन करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए सबसे पहले ड्राइवर साइड सीट दिखाते हैं भाई, इसमें एडजस्टेबिलिटी ये देखो आप यहाँ पे सबसे पहले ये है इसका देखना, ये हाइट को भी एडजस्ट कर लेता है। ये देखो यहाँ पे एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये देख रहे हो यहाँ पे लेग रूम हाई रूम ये सारा सपोर्ट ये बहुत अच्छे से करता है। और इसके साथ साथ स्पेशियस है, यानी शॉर्ट हाइट वालों के लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सीट को ऊपर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इस गाड़ी को इजिली राइड कर सकते हैं या फिर ड्राइव कर सकते हैं। चलिए मीटर कंसोल दिखाते हैं, मीटर कंसोल दिखाने से पहले गेट को करते हैं बंद भाई, बंद करने के बाद की है अपने पास, की को रख देते हैं यहाँ पे और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिसमें मैं बात करूं यहाँ पे तो टोटल सबसे पहले इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप देखोगे 10.25 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ आपको इसमें अडास फीचर्स मिलते हैं, अडास फीचर्स भी बहुत सारा फीचर्स है, अभी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इसमें, आप एक बार चेकआउट यहाँ से कर सकते हो। ये देखो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का डिजाइनिंग है, ये देख लो, ओ भाई RBI कम हो जाए यार, RBI कम हो जाओ अभी। सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर RPM लिमिट देखने को मिलेगा, टेम्परेचर मिलता है और इसके साथ साथ मोड्स अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से पूरा का पूरा ये सारा चीज़ें जो है वो चेंजेस हो रहा है, ये देख रहे हो मोड चेंज करने के बाद ये सारा चीज़ आपको यहाँ से 1x1 करके पूरा का पूरा चेंजेस हो जाता है। इसमें आपको ABS, EBD, ESP, हील होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हेलो योर ब्लू लिंक फ्री ट्रायल इज अवेलेबल, यहाँ पे अपना बता रहा है कि ब्लू लिंक वाले जो फ्री ट्रायल है ना वो अभी अवेलेबल है, इस पे यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे टिल्ट
और टेलीस्कोपिक, देख रहे हो टिल्ट टेलीस्कोपिक, आपको दोनों का स्टेयरिंग सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनलाइन का यहाँ पे बेजिंग मिलता है, ह्यूंडई का बेजिंग मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा इसका डिजिटल मिलता है, जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इफिशियंसी मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है यानी डीटीई फीचर्स भी मिलता है, और इसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हील होल्ड कंट्रोल, सारे चीज आपको यहाँ पे मिलते हैं। 12.25 इंचेस का आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, और वहीं प्रॉपर यहाँ पे बात करें तो ये देखो मीडिया सेक्शन की मीडिया, मैप, नेविगेशन, नेविगेशन, रेडियो कनेक्शन आप यहाँ से सारा देख सकते हो, एसी को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, हजार्ड लाइट ट्रैक, और इसमें आपको मोड्स भी मिलते हैं, स्पीड्स मोड, नॉर्मल मोड, आपको तीन तरीके का इसमें आपको मोड मिलेगा, जिसमें इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हो। और यहाँ पे ये जो फिनिशिंग देख रहे हो ना, ये काफी अच्छा है, ये रेड कलर में फिनिशिंग आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसकी ग्लोबॉक्स सेक्शन की, तो ग्लोबॉक्स सेक्शन भी देखोगे पूरा का पूरा आपको स्पेशियस इसका ग्लोबॉक्स सेक्शन मिलता है। बोस का आपको यहाँ पे स्पीकर सेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे ये स्पीकर जो देख रहे हो ना, ये आपको पूरा का पूरा बोस का आपको स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है। आईआरवीएम सेक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे आईआरवीएम मिलता है। ऊपर से बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे टिकट होल्डर्स देखने को मिलता है। इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे एक मिरर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इस लाइट की बात करें तो कुछ इस तरीके का एलईडी लाइट्स है। सनग्लास होल्डर्स आपको यहाँ पे इसका सनग्लास होल्डर मिलेगा, और इसके साथ साथ ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देखना भाई, देख रहे हो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है इस गाड़ी में। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पैनोरामिक सनरूफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका पूरा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे हैंड एडजस्ट करने के लिए हैंड एडजस्टेबल मिलता है, कप होल्डर्स देखने को मिलता है, ऑटो होल्ड का असिस्ट मिलता है, यहाँ पे आप ऑटो होल्ड असिस्ट देख सकते हो। इसके साथ साथ इसका रिवर्स गियर में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखे लीवर को उठाया, ये देखो रिवर्स गियर, रिवर्स गियर में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ रहता है, ये पूरा का पूरा पार्किंग सेंसर वाला बना रहता है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे 360 डिग्री वाला मिलता है, बट यहाँ पे आपको मिरर्स में नहीं मिलता, बट फ्रंट और रियर में आपको कैमरा लगा हुआ है। ये हो गया रियर का सेक्शन, और ये फ्रंट का सेक्शन का आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है। काफी ज्यादा आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अच्छा देखने को मिलेगा। लेगरूम की बात करें तो लेगरूम तो भाई इसका कोई कहना ही नहीं है, लेगरूम काफी ज्यादा स्पेशियस है। चलिए अब सेकंड रो की सीट पे चलते हैं और वहां दिखाते हैं आपको इसका कैसा है स्पेस। अब चलते हैं इसके सेकंड रो सीट की तरफ, सेकंड रो सीट में दिखाते हैं इसका स्पेस। तो सबसे पहले तो फ्रंट का जो सीट है वो अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर लिया हूँ। सेकंड सीट पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई इसमें अभी जमाना रहता था कि पूरा का पूरा इसके इसको पूरा ब्लैक कराना, बट यहाँ पे इसमें ये नहीं कराना। ये देख रहे हो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसके साथ साथ पूरा लेदर का फिनिशिंग मिलता है, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, और बोस का स्पीकर सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है। सनब्लाइंड्स जो है ना, जनरली हर कंपनी अब सनब्लाइंड्स दे रही है ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई मॉडिफिकेशन कराना ना पड़े। इसके साथ साथ पीछे की सेक्शन की बात करें तो आप लोग बहुत कहते थे कि क्या पीछे में भी हेडरेस्ट मिलता है, तो जी हाँ, आपको क्रेटा एनलाइन में हेडरेस्ट मिलता है विथ एनलाइन का स्टिकर। ये देखो एनलाइन का स्टिकर के साथ मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है हेडरेस्ट, सॉरी आपको हैंडरेस्ट मिलता है, और इसके साथ साथ सेफ्टी के तरीके पे आपको तीनों वे में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये आप जो बेल्ट लगाते हो ना, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्पेस है। लेगरूम सेक्शन की बात करें तो काफी ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और फ्रंट में तो भाई अपना है ही वायरलेस चार्जिंग। फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है इसके टॉप मॉडल पे। और अब चलिए करते हैं इसके बूट स्पेस को ओपन। बूट स्पेस को ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कितना इसका है कैपेसिटी। बात करते हैं अब इसके रियर सेक्शन की बूट स्पेस की, तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर ये यहाँ पे नॉर्मल में तो 433 लीटर की आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलती है विद पार्सल ट्रे, और वहीं अगर इसके सीट को इंक्लाइन कर देते हैं यानी 60-40 में कर देते हैं तो लगभग ये 650 लीटर के आसपास की बूट स्पेस की कैपेसिटी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे होल्डिंग करने के लिए देखने को मिल जाता है। पीछे में आपको स्पेयर व्हील्स आपको यहीं पे इसमें देखने को मिल जाता है, ये देख रहे हो ना, इसको हटाने के बाद आपको एक स्पेयर व्हील्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अपना ह्यूंडई का यह मोबिलिटी किट हो गया। पीछे में भी देखोगे तो आपको बूट का स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है, और एक यहाँ पे आपको लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी। अगर आप 60-40 में करते हो तो लगभग 650 लीटर के आसपास बूट स्पेस का कैपेसिटी है, और अगर नॉर्मल में करते हो तो ये 433 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी है। वहीं बात करते हैं इसकी टैंक की ना, तो 50 लीटर का आपको यहाँ पे इसका टैंक का कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल काफी ज्यादा सेफ्टी है। सेकंड क्लास का आपको यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग्स भी देखने को मिलता है। एक्शन प्राइस मैंने बता दिया, बाकी स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है। आप इस गाड़ी से रिलेटेड और कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो रिपब्लिक हुंडई रांची के लाइन टैंक रोड में ये डीलरशिप अवेलेबल है। आप यहाँ पे कॉल करके, स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।